नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटीआई टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता। आज आपके सामने एक वीगार्ड इन्वर्टर है जो 800 वी का है और इसका एक गजब का फॉल्ट हम लेकर आए हैं और यहाँ पर सप्लाई हम इसको दे रहे हैं। यहाँ पे डीसी सप्लाई है, यहाँ एस्केलेटर आना है इसका, यहाँ से आप सप्लाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यह बैकअप और यह मेंस ऑन के बीच में यह ट्रेवल कर रहा है, आना फाना कर रहा है। और यहाँ से अगर इसका हम ट्रांसफार्मर वाला ये वाला अगर जैक निकाल दे रहे हैं तब देखिए यह हमारा स्थिर हो जा रहा, बैकअप वाले पर आ जा रहा। लेकिन दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले यह इस इन्वर्टर में इसको निकालने के बावजूद भी केवल अगर ये वाला आपका बैटरी का ये जो मेन लूप है अगर लगा रहेगा प्राइमरी, तो उस समय भी ये यही कंडीशन में था। तो रिले को स्विचिंग कराने के लिए यहाँ रिले लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ से ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ये यहाँ पे गया हुआ रिले के एक पॉइंट पे, इसको इस रिले को ऑन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे 147 का एक कंबाइन बना गया है, ये दो ट्रांजिस्टर उसमें लगे हुए थे, हमने इसको चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद तो कंडीशन ये हुआ कि आप इसको निकाल देने के बाद ये जो है वर्क अच्छा दिखा रहा है, इसको लगाने के बाद वर्क गड़बड़ दिखा रहा है। अब आइए आगे हम लोग चेक करते हैं इसमें और क्या प्रॉब्लम आ सकता है। इस तरह के प्रॉब्लम काफ़ी जो है झेलाने वाले प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है कि रिले प्रॉब्लम है या ऑपरेटिंग प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। तो अब इसके लिए हम लोग देखते हैं अब इसको ऑन करके। तो सबसे पहले तो हम वोल्टेज यहाँ पर चेक करते हैं कि प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है नहीं, तो बने रहिए। हाँ तो दोस्तों आपके सामने अब ये सेट ओके दिख रहा है, यहाँ से देखिए आप कर दिए, हमारा ये सेट ऑफ हो गया, हमारा लाइट भी ऑफ हो गया और यहाँ से हम इसको ऑन कर रहे हैं। ये बैकअप ऑन है और लाइट जा रहा है, देखिए यहाँ 200 वोल्ट इसमें सप्लाई दिखा रहा है। अभी लोड बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आ गया है, देखिए बैटरी लो का सिग्नल दे रहा है क्योंकि इसमें बिजली है नहीं। और ये तो कंप्लीट हुआ, लेकिन दोस्तों हम इसमें क्या क्या चेक किए हैं ये आपको बता दें ताकि इन फ्यूचर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना उठाना पड़े, क्योंकि अगर जितना परेशानी हमको हुआ उतना ही परेशानी आपको हो तो आपको वीडियो देखने का कोई लाभ नहीं है। तो आपको स्पष्ट बता दे रहे हैं हम क्या क्या इसमें किए हैं। तो स्टार्ट में हम आपको बता चुके थे ये जो दो ट्रांजिस्टर यहाँ लगे हुए थे इसके रिले को स्विचिंग कराने के लिए, इन ट्रांजिस्टरों को हमने चेंज किया, 147 उसके बाद फिर भी, और इसमें ये जो मैटर इसका था थोड़ा सा जटिल था, क्योंकि अगर जो ये सप्लाई जाके इसमें प्रिंट वगैरह जल जाता है और कहीं शॉर्ट होता है तब ये समस्या आता है, मतलब 99% समस्या ये आता है ये सप्लाई जाके कहीं शॉर्ट होता तब आता है। चूँकि अभी इस जैक को निकालने के बाद भी वो समस्या लगातार बनी हुई थी, इसको निकालने के बाद भी, इस ट्रांजिस्टर को बदलने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको निकालने के बाद तो समस्या ख़त्म हुई थी, लेकिन फिर वो समस्या कुछ सेकंड के बाद पैदा हो जा रहा था। तो ये मान के चलिए आपके इसके सिस्टम में ही फॉल्ट था। तो हमने क्या किया और क्या इसके आगे किया, ये ट्रांजिस्टर बदलने के बाद जब हमारा क्लियर नहीं हुआ तो हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर था, यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर यहाँ बदलने के बाद, यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्राइवर इसका बदलने के बाद जब क्लियर नहीं हुआ तो हम इसका रिले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिले को भी लगा के चेक किए कि हो सकता है कि रिले में भी प्रॉब्लम हो, लेकिन तब भी स्थिति जैसा का था वैसा बना रहा, कोई इसमें अंतर नहीं है। बारी बारी से दोनों को हम एक दूसरे में चेंज करके देख लें तो भी कोई दिक्कत ख़त्म नहीं हुआ, बरकरार बना रहा। उसके बाद यहाँ पे एक 4N35 लगा हुआ है, यहाँ पे 4N35 लगा हुआ है, देखिए इसको टच करने पे ही वो आना आने जा रहा है, तो 4N35 लगा हुआ है। इस 4N35 को हम चेंज किए तो हमारी प्रॉब्लम आप देख सकते हैं
पूरी तरह से साल हो गया है और इसमें बिजली नहीं है, नहीं तो आपको चार्जिंग देगा। चार्जिंग इसका सही था, चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था। वही प्रॉब्लम केवल यही था कि आपस में चेंज होता था, आना पाना होता था। तो दोस्तों अब आगे के लिए आपको इसमें ज़रूर कुछ सीख मिला होगा, ऐसा नहीं कि आपको कोई सीख नहीं मिलेगा। और ये बोर्ड को भी आपको दिखा दे रहे हैं, इस बोर्ड किस मॉडल का है, वी-गार्ड का। आप बोर्ड देख लीजिए, इसमें ये इस मॉडल का बोर्ड है और इसका फ्रंट पैनल, फ्रंट लुक ये है। तो दोस्तों अब अगले वीडियो के लिए आपसे कहते हैं जय हिंद जय भारत। और इस वीडियो से अगर आपको लाभ मिला हो तो हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह के वीडियो बराबर आपको मिलता रहता हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों अगले वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।